जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह इतनी तेज बारिश में यहाँ पे जबकि मैं आई हूँ सब कुछ गीला। कोई बात नहीं ये सब कुछ गीला हो गया। ये देखो तुम लोगों ने ये जो हरकतें की है ना सब कुछ नीचे चले जाना है। पागल हो गई हो सब कुछ नीचे। अभी के अभी पकड़ो वो देखो भाई की सॉक्स ऐसे इसको पुठा मार देते हैं। इसको पुठा मारो मंदा नहीं है फाड़े ने पुठा मारी है मेरा पुत्र पुत्र ऐ बच जाएगा गीला हो तो फिर बनना इतने बहना भी तो होंगे ही ना। चलो जी है पुठा मार गया चलो अंदर चलिए हूँ गीले हो गए मेरे बच्चे गीले हो गए गीले ओहो फजर गीली होगी। ये देखो कैसे ग्रक ग्रक बारिश हो रही है इतनी तेज बारिश बड़ी कम देखने को मिलती है यहाँ पे। सारा मेरा पुत्र ना ना बारिश में नहीं नहाना ये वाली बारिश जहाँ पे नहीं नहा सकते आप इतनी बारिश में फटाफट तो ठंड लगने लग पड़ती है। देखो तुम ठंड महसूस नहीं कर रहे ठंड महसूस फिर ना करो मेरी प्यारी बेटी ना ठंड लग जाएगी बच्चे बीमार हो जाते हैं। बंद करो डोर वगैरह। हाँ जी बारिश में गिरी होगी। चलो मेरा काका चलो मंदिर ये सारे गंद उठाओ मामा ये सारी अखबारें फेंको और खिलौने सारे उधर डालो। हाँ जो वहाँ पे खेल रहे थे ना वो इधर ही करके खेल लो ठीक है। चलो सही है यहाँ पे देखिए मैंने ना लहसुन और अदरक छील लिया मोहम्मद अली टेबल साफ कर रहा है फिर मैंने नमाज पढ़ ली है। का दुआ करी थी अच्छा अल्लाह ताला पापा को सारे सारे पैसे दे दो। अच्छा नाना की दुआ की है बोलो अल्लाह ताला से नमक दे दे मामा। हाँ जी मामा दो मामा पैसे दो जाए मेरा छोटा सा खिलौना बैठ जाओ मैं तो जाऊँ मैं जाऊँ फिर आप दुआ करोगी। अल्लाह ताला मामा के नाना बुको जन्नत में कर दो आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह मामद अली टेबल साफ कर ली दोनों मेरे बेटे ने। हाँ जी ये लहसुन मैं छील रही थी और ईसा ने मेरे साथ फिर लास्ट टाइम पे ईसा ने ये सारा खसारा नीचे कर दिया फिर मैंने उसको उठाया। अभी मैंने ये छीलना है और ये मैंने कर लिया थोड़ा सा तो मैं उसको सुलाने चली गई थी और मैं बाहर आई हूँ तो अभी तकरीबन 9 बजे हुए हैं। मैंने बच्चों को बोला नमाज पढ़ लो मैंने खुद भी पढ़ी फिदा शोर बिल्कुल नहीं करो भाई सोया हुआ है। और यहाँ पे ना अब बिस्मिल्लाह करके मैं करने लगी हूँ कड़ी तैयार क्योंकि मैंने दही लगाया हुआ है फ्रिज में लेके आते हैं दूसरी फ्रिज से दही। ये देखे मैंने खुद ही घर पे दही लगाया था अब इसको जाके वहाँ पे आपको दिखाती हूँ। हाँ मैं आपका दूध बॉइल कर दिया फजर। ये देखे मैंने दही घर में लगाया था तो इसकी अब बनेगी कड़ी। फिदा चुप करो। हाँ वो सोनी है उसको तंग ना करो वो नमाज पढ़ रही है उसने बार बार अब दुआ मांगनी है माशाल्लाह करके तो मैंने कहा था खट्टा हो जाएगी फिर कड़ी बनेगी ठीक है। और यहाँ पे मैं तैयार करने लूँ कड़ी। मैंने फजर का दूध बॉइल कर दिया और कड़ी तैयार होने लगी है आप बिस्मिल्लाह करके। बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया 9:30 बज गए हैं मैंने कहा अभी बनाऊँगी तो सही रहेगा पता क्यों ए ना फिर सुबह के टाइम ना कड़ी काफ़ी लेट हो जाएगी बनते बनते। ये मैं दही जो है ना बिस्मिल्लाह करके इसके अंदर डाल लूँगी और यहाँ पे रखते हैं इसको। माशाल्लाह मेरी फजर ने नमाज पढ़ ली ओके। अब देखें जी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी तो साथ ही मैं थोड़ा सा बेसन डाल दूँ। हाँ जी अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल दूंगी बेसन भी मैंने थोड़ी सी आधी कटोरी लिया है पानी मैंने पहले डाल दिया है अब इसको लगवा लूंगी रगड़ा। ये मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया के साथ मैंने कर लिया अब इसको नीचे उतार लूंगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गई है अब मसाला भुना जा रहा है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया हरी मिर्ची और टमाटर ममदरी को देने लगी हूँ बंद करके ये इसको क्रश करेगा। चलो ममदरी ये क्रश करो मेरा बेटा उधर रख के करो क्रश पिता टेबल के ऊपर रखो ये टोकरी और ये आलू जोन से ना टेबल के ऊपर रखो। चलो बाई कर लेना फिर बाद में आप कर लेना। ममदा जी ने ये क्रश कर दिया माशाल्लाह यहाँ पे रखो बेटे और सारा गंद जो है ना यहाँ से उठाओ जो नीचे गंद पड़ा हुआ है ना सारा उठाओ। ये देखे मैंने इसके अंदर डाल दिया अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी
और जो है ना नमक मिर्च डाल दूंगी। जी बेटे, हाँ जी, आपने भी करना है इस तरह। ठीक है, देती हूँ। खाओगे? नमक डाल दिया, मिक्स कर लिया। मुझे ना कड़ी का कलर जो था ना येलो येलो बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए है। और साथ में ये गई मिर्च। ये मसाला तकरीबन लगभग रेडी हो चुका है, बस ये मिर्चें भूनने की देर है। मैंने इसको बोला यहाँ से सफाई करो, ममदारी झाड़ू ऊपर मारने लग पड़ा। बेटे क्या हो गया, शेर बट्टे के साथ कर जमीन की तरह ही है ये भी। ठीक है, फिर मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों से ना इतना काम नहीं हो सकता। नीचे करो, पीछे करो। अब इसको मामा से पहले पूछ लेते हैं, मामा क्या मैं इसके ऊपर झाड़ू लगा सकता हूँ? ठीक है, चलो अब ये सारा गंद जो है ना वो लेके जाओ नुक्कड़ पे। ठीक है, ये मैं बाद में कर लूंगी, क्योंकि अभी पहले वो कर लेती हूँ। मसाला भुन रहा है, अदरक का दूध ठंडा हो गया और कूड़ा इकट्ठा कर दिया था। फिर जो है ना सारा कूड़ा उठा के बास्केट में डालेगी मोहम्मद अली। अब जो है ना मामा की हेल्प कर रहे हो? हाँ। क्या कर रहे हो मोहम्मद अली? अब लहसुन को छीलने लगा है इसके साथ। देखो मोहम्मद अली के काम देखो जरा, आधा लहसुन तो ऐसे छीला जाएगा बेटे, ऐसे नहीं करना। आपने ये आपसे होना ही नहीं है, आपकी हाथों में इतनी सड़न होगी ना, इतनी सड़न पड़ेगी कि आप ना रोने लग पड़ोगे। मैंने बड़ा बर्दाश्त किया आगे, ना करो बेटे, ये आपके बस का काम नहीं है। बाद में आप रोओगे, आप बोलोगे मामा ये मेरी उंगलियों में बड़ी सड़न पड़ रही है, मैं बड़ा आगे जाके अंदर जाके बड़ा रो रही थी, मेरे हाथों पे ना सड़न पड़ रही थी। ये काम ना आप करो, और कोई काम कर लो। ठीक है, समझा करो बेटे। चलो कर लो, दो तीन करो, बाद में जब जलन होगी तो मुझे ना कहना। ठीक है, हाँ जी चलो, क्योंकि मुझे बहुत बुरी जलन हुई थी। साला तकरीबन लगभग भुन चुका है, तेरा कूड़ा डाल रही है। अच्छा चलो ठीक है। फजर आपको दूध दे दूं? हाँ कहते हैं, ओके गुड बेबी। सीधा ये आलू जोन से है ना छीलो, प्याज नहीं छीलने, सिर्फ आलू छीलने हैं, बाकी काम मैं खुद करूंगी। ओके फजर, चलो जी मेरा बेटा झाड़ू दे दो। फजर लाओ, फजर ये खा लो प्लीज, मामा ने दिया, भाई ने बना के दिया, खा लो। फजर आप गुड हो ना? वेरी गुड वेरी गुड, खा लो खा लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठ के खा लो, बहुत अच्छी बच्ची है। फजर गुड है, इसा नो गुड है। देखो मामा दाली जो है ना इस तरह कैसे लगाया बेटे, इधर रखो टेबल के ऊपर, ये इधर रखो। कर रही हो फिदा? ठीक है करो, मेरा ही काम बस नेड़े नहीं लगता पिया। क्या कह रही हो? हाँ जी जी, फजर कह रही है मामा मेरी फोटो खींचो। आ गई है आपकी फोटो बीच में। ठीक है, थैंक यू फजर। अब एक काट करके दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा। हाँ आ गई हो ना, अब काट करके दिखाओ पहले। गू फजर गू फजर गू, हाँ ईसा नो गू। चलो बैठो आराम। ये मैं अपने लिए दूध डाल लेती हूँ, मैंने एक गिलास दूध पीना होता है रात को, एक कप या एक गिलास, साथ में मैंने तीन चार खजूरें लेनी होती हैं। ये मैंने ले लिया 7 खजूरें, अब मैं दूध के साथ खजूरें खा लूँगी। दोनों बहन भाई करने लग पड़े हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या कह रही हो? पहले फोटो खींचो फिर खाओगी। चलो काटी करो, वेरी गुड वेरी गुड। कहती है पहले फोटो खींचो फिर काटी करूंगी। फजर के दूध में ना मैं हमेशा शक्कर ही डालती हूँ, मैं कहती हूँ चीनी अवॉइड ही करूँ इससे। ब्रोड फिनिश करो फिर दूध ले लो। ओके, ये करवाते करवाते ना इधर ने आलू काटते काटते अपना हाथ छील लिया, माँ सदके जाए। अब ना करो, मैं खुद ही काट लूंगी। हम दल रहने दो, ध्यान से बेटे। फजर फिदा ने पहले अपना हाथ छिलवा लिया। फिदा आपका ध्यान टीवी की तरफ होगा ना, इसलिए आपने इधर ध्यान नहीं दिया। मैंने आलू में ध्यान दिया था, जब भी मैंने ऐसे किया मुझे लगा मेरा उंगली कट जाएगी। चलो अब ना काटो, बैठ जाओ। अब जा रही है जी इसके अंदर वही लस्सी जो मैंने अभी अभी बेसन के साथ मटेरियल जो है इसका तैयार किया है। अब थोड़ा सा बेसन बीच में, कोई बात नहीं उसकी, खैर है। अब इसके अंदर मैं जितना पानी चाहूँ ना डाल दूँ, ठीक है, बस सुखाना है इस पानी को, तो वो आपकी हिम्मत की बात है। कब तक मैंने जागना है और कब तक ये पानी सूखना है। मैं बिल्कुल धीमी आंच पे कड़ी बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। और सिर्फ मैं बनाती नहीं हूँ, मैं बांटती भी हूँ इर्द गिर्द में, जो भी मेरे पास हैं हस्बैंड अपने दोस्तों को देने जाते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पूरा एक और जग भर के पानी का। अब ये सूख जाएगा तो फिर, मतलब हाफ रह जाएगा तो फिर इसके अंदर पकौड़े डालूंगी। अभी पकौड़े का मटेरियल तैयार हो रहा है, ठीक है, आलू वगैरह काटे जा रहे हैं। बेटे ये लो तुम्हारा दूध और खजूरें, ठीक है, अल्लाह तो आपको अच्छे बच्चे बनाए। और ये फिनिश हो गया सारे, माशाल्लाह सारा हो गया, थैंक यू। ये प्याज मैं खुद कर लूँगी, थैंक यू। सारा कुछ बीच में डालो। चलो अब अपना
दूध और खजूरें खा लो, ठीक है। अभी तो कितना प्यारा कलर ऊपर आ गया है, लेकिन अभी तो कड़ी बड़ी देर लगनी है बनने में। ये मैंने ढक दिया, अब देखते हैं कितनी देर में तैयार होती है। ढका है मैंने तकरीबन पूरे 10 बजे, अब देखती हूँ कितनी देर तक तैयार होएगी, तो फिर मैं सोऊंगी। उससे पहले मैं सो नहीं सकती क्योंकि मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। तो अब मैं ना ये जो दो रह गई है ना, इसको छील के ना सारा को क्रश करके डिबिया में डाल दूंगी, ताकि मेरा जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना वो रेडी हो जाए, जो मैंने रोजाना यूज करना होता है। अदरक लहसुन जो है ना वो अलग-अलग कर लिया और अदरक मैंने पीसेस कर लिया। चलो तुहाडी बड़ी मेहरबानी, जाओ जाके सोइयो, तुहाडी वजह तो अभी शोर कर दी, उन्हें उठ पैना जब छोटी बला ने। चलो निकलो, चलो मेरे बेटा रात के देखो 10:30 हो गए हैं, सुबह उठते सर तुम्हारी बारी होगी, चलो जाओ। ये देखो रेड हो गए सारे और हाई हो रही, मेरे पोटे जो ना लाल सूवे हो गए ने, तो इन्नी दर्द होंगी पई है पोटियां ते, थोम छिल छिल के मेरा हाल पैदा हो गया। हूँ मेरे को आवाज भी नहीं कटी जाती पी, हाय हाय पे करनी है। अगे तो कभी भी नहीं इन्ना पैदा हाल होया अंगूठे का उंगलियां का जिन्ना अज हो पाया है। वो इन्नी सड़न पैंती पी, इन्नी जलन पैंती पई है ना। ये देखे रात के 11:05 हुए हैं और कड़ी जो है ना मेरी यहाँ तक पहुँची है, इतनी थी, इतनी रह गई है। इतने मैं कर रही हूँ पकौड़ियाँ का मलिया मेट, इन चंगी तरह मैं ना घोलन रही हूँ। मैंने कहा ये ना अभी से ना मैं पकौड़े बना के बीच में डाल के सो जाऊँगी ना, तो सारा पकौड़ों का जो जायका होता है ना वो कड़ी के अंदर जाता है, तो फिर कड़ी और मज़े की लगती है। फिर पहले मैंने सोचा था कि सुबह ना बना के ना ठंडी कड़ी में डालूँगी पकौड़े, लेकिन वो जायका नहीं आना है जो गर्म कड़ी के अंदर पकौड़े डालने का आता है। तो इतने मैं इनू चंगी तरह घोल कर लवानगी। फजर भी सो गई, ईसा भी, ईसा तो सब ना पहला सुता ही, तो ममदा रिफिजा भी सो गए ने। तो कम करने का इन्ना को मज़ा आन डिया ना, मैं कहनी हाँ भावें खाई रात मैं कम करती रहागी ना थकागी ना, लेकिन दिन टाइम बच्चों के शोर ना उन्होंने लड़ाइया वेख वेख के, उन्होंने लड़ाइया छड़ा छड़ा के छोटिया व्डिया दियाँ, तो मेरा दिमाग अद्धा थक जाता वे। सारिया मावं का साथ भी नहीं, मेरा कली का नहीं, असं कम कर दिया नहीं थकदियाँ, असं बच्चों छड़ा थक जा मैं कम कर दिया। मैं हाथ धोलूँगी, मैं कपड़े डाले हुए हैं तो मैं भूल गई थी कि मैंने सूखने भी डालने हैं। और पहले मैं आपको टाइम दिखा दूँ, कड़ी बन रही है, पकौड़े का मटेरियल तैयार कर दिया है। वो देखें 11:05 हुए हैं, तो मुझे याद ही नहीं रहा इस चक्कर में कि मैंने तो वाशरूम में ना कपड़े भी सूखने डालने हैं। अब स्टैंड मेरा बाहर है, बाहर नेरा कोपवे, तो मैं तो कभी भी ना बाहर जावा है स्टैंड लैन वास्ते कपड़िया का। हूँ मैं की करा, कपड़े मैं कितने पावगी, ए चैन जी सुक जाएंगे, फिर कोई जगह नहीं है पाने वास्ते, मैं तो फस गई हाँ। मैं अपने वास्ते टाइम नहीं लगता है, हूँ टाइम लगभग तो मैं क्या डाबर आमला जरा ना अपने सिर पर थोड़ा जहा ला लाव, सुबह उठ के ना लंघ गई। इन्ने ही बड़ा होंगे ने घंटे तेल न लाया हो, लगा लेती हूँ फटाफट से तेल। अब देखे यहाँ पे ना वो 11:15 हुए हैं, 11:30 तक मैंने ना बस कड़ी को और पकाना है और साथ ही पकौड़े बनाने लगी, ठीक है। मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, अब ये रेड हो जाती है ना तो फिर चुट सुक के सुट देंगे ये बिच। मैं तो वाह अपने नाल ना यब पा बैठी हाँ अद्धी रात को कड़ी बना दी, जब सुबह मेरे सहुरिया ने मेरे घर आना है, मेरी मंगनी हो गई हुई है, तो मैं चा चढ़ गया उन्होंने कभी पका के खवानी है अपने हत्थों की। एड्डी भी केड़ी गल पई सी, देखो 11:30 हो गए ने। मैं इतने मैं घ्यो सुटिया, नाल ही मैं जीरा सुटिया, तो कड़क कड़क कर लग पिया सी, तो मैं बड़ी खुश हुई, बड़ी प्यारी खुशबू आन डई सी। ए मैं पा दाँगी हूँ सारा कड़ी में, ए वेखिए हूँ तुम आवाज़ आएगी, बड़ी सोहनी आवाज़ लगती है मैं तड़का ला की लग गया तड़का, मैं तो खुश होनी पी सुबह, कि मज़ा आएगा ना। मासा कड़ी नहीं चखी, ना ही मेरी आदत है कि मैं खाना बनाते वक्त चखा, जो भी घाटा वाधा हो मैं हमेशा बाद चो चेक करनी हाँ, मेरी पता नहीं क्यों मैं हजी आदत है, लेकिन कड़ी जारी है ना वेखियो हूँ तुम्हारा दिल करता होगा खाने, है तुम भेज नहीं सकती थोड़ी माँ। ये था मेरा लास्ट पड़ागा जो मैंने पकौड़ों का निकाल लिया है, और उधर देखें रात के 1:00 हैं, इसको भी मैं सूट देती हूँ कड़ी के बीच में। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शोहर को मेरी कुर्बानी पसंद आ जाए ये वाली,
क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है। तो सुबह अब इसको ना हम लोग दोपहर के खाने में खाएंगे, तो कैसा लगेगा ये फिर अब सुबह मेरे मियाँ ही बताएंगे। अभी काम पे गई हूँ मैं, चाहती थी कि मैं उनको कॉल करके पूछूँ आपने कब तक आना है। हस्बैंड को मैंने कॉल की थी, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, काम में बिजी होंगे। चले ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा फटाफट से ना ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ना अदरक लहसुन वाला भी झंझट खत्म कर देती हूँ। इसको मैंने एक आधा रगड़ा लगवाना है और इसने सही तरीके से पेस्ट बन जाना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट से बना बनाया पेस्ट क्यों नहीं लेके आती। मैं लेके आती हूँ वही, लेकिन ना मेरा दिल नहीं करता, उसके अंदर सिरका मिक्स होता है तो मुझे ना हंडिया में वो टेस्ट नहीं आता, और फ्रेश तो आपको पता है उसकी बात ही और होती है। मैं इसको फुल कर लूँगी। चलें जी, ये अब हो गई है सुबह और ये तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। मैंने यहाँ पर जरदा तैयार करना था, मेरे पास येलो कलर नहीं था, ये वाला ही कलर था। मैंने पता है तुम्हें मैंने बड़िया ही गालां कटनियाँ ने, तुम्हें कहना है ए की अज पे कर दी जो कोई नवा ही व्लॉग बनाने लग पे है। मुझे पता है आप सब ने ना मुझे आज जरूर 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 गालियां देनी है कि ये आज हमें बड़ा बोर कर रही है। ऐसे देखो मैं पा देती हूँ इलाचियाँ, लौंग, बादाम, चीनी सोट दी है। पहला मैं ऑयल जरूर पाया है, ठीक है, थोड़ा जहा मिक्स किया, नाल ही मैं सोट दिता थोड़ा जहा दूध का, 2-3 घुट जर्दा जो बनने लगा वे, एक गिलास सिर्फ जर्दा बनने लगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कलर को ना डाल के ना पानी में, तो मैंने चावल बॉयल कर लिए थे कहीं पे मैंने रखे हुए हैं। अब इसको इसके अंदर ये देखिए कितनी प्यारी झाग बनने लग पड़ी है। यकीनन पूरा एक साल हो गया मैंने जर्दा घर में नहीं बनाया, वो भी रात को मोहम्मद अली ने कहा है तो उसकी फरमाइश पे बन रहा है। कल ना मुझे एक कमेंट आया था तो मैंने उसको बड़े गौर से पढ़ा। उन्होंने किसी ने कहा था कि आपके सारे बच्चे प्यारे हैं लेकिन फजर जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्यारी और क्यूट है। तो आपका पहले नंबर पे बड़ा शुक्रिया, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, मोहम्मद अली जो है ना जब छोटा था ना बड़ा गोला मोला और मोटा हुआ करता था। वैसे पैदा तो ये छोटे छोटे बिल्ली के बलूंगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हुए ना तो मेरा तो ख्वाहिश ही पूरी हो गई, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से ना मोटे मोटे बच्चे मांगती थी। मैं कहती थी मेरे बच्चे मोटे मोटे हों, तो मोटे तो हुए थे लेकिन पैदाइश के ना तकरीबन 2 से 2.5 माह के बाद मोटा होने शुरू हुए थे। और मोहम्मद अली ने माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ की थी ना, गुगला मुगला लगता ही थे, मेरा रोब सी मेरा, मैं कहनी हूँ मतलब जब मैं मार्केट में जाया करती थी ना मोहम्मद अली को साथ लेके जाया करती थी इसके कपड़े खरीदने के लिए, तो जहाँ पे मैं खुद भी इवन के जो दुकानदार होते थे ना वो भी मोहम्मद अली को कहते थे गोले मोले के कपड़े लेने आए हो। मीन्स के हमारी एक अलग से ही हमारी पूरी फैमिली की शॉप है जहाँ से हमने बच्चों के कपड़े खरीदने होते हैं। तो इतना मोहम्मद अली प्यारा था। और अभी अगर मैं कहीं पर बाइक पर जा रही हूँ ना तो कोई लेडीज़ वगैरह रिक्शे पर बैठी हुई है ना, तो वही मुड़ मुड़ मेरे मुंडे वाले बिंदियाँ ने, मेरा मुंडा बड़ा सोना ही, तो मोहम्मद अली मेरी दख से ही मैंने, मैं कहनी हूँ मेरा मोहम्मद अली ने मेरा रोब वधदा ही, तो मैं बड़ी खुश होती थी। अभी मोहम्मद अली जो है ना अपने खानदान पे चला गया, सूखा सूखा सड़िया हो गया, तो अब उसकी ना सेहत काफ़ी डाउन हो गया है। माशाल्लाह एक्टिव है, होशियार है, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है खानदान पे जाना है। आपको पता है मैंने शादी से पहले कितनी डाइटिंग की थी, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद अली के जो बाबा है ना उनका खानदान सूखा हुआ है, मतलब पतले खानदान में मेरी शादी हुई है, तो इसलिए मुझे फिर अपने आप को ना पतला करना पड़ा था। मैं मोटी नहीं थी शादी से पहले, बस ये कह सकती हैं कि ना मोटी थी और ना पतली थी, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, मेरा सूखे खानदान में शादी होनी थी तो वो हो गई। इस चीज़ का ना मुझे बड़ा गिल्ट है कि हस्बैंड जो है ना जो भी खाते हैं ना वो मोटे नहीं होते हैं। ये बात अच्छी है, उनको वर्जिश वगैरह नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये ना सारा मतलब के भाई ऐसे हैं, मतलब मेरे ससुर भी ऐसे हैं, बाकी मेरी सास और मेरी जो नंद है ना वो माशाल्लाह ठीक ठाक है, वो खाती पीती है, उनको लगता है मेरी तरह, तो शुक्र है कोई तो हम जैसा है ना। लोग अच्छा नहीं लगा तो मुंह में गालियां नहीं देनी, आपने फौरन से कमेंट में कर देना ताकि मैं आज के बाद बिल्कुल इस तरह का कोई व्लॉग ना तैयार करूं जो। चलें जी, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।